बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे, हालांकि नामांकन भरने की तारीख अभी तय नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के अगले सीएम को लेकर उन्होंने कहा पाटियाला कमान नाम तय करेगा, पूरी प्रक्रिया के तहत काम होगा और फिलहाल सीएम कोच्ची से शिरडी जा रहे हैं। आज शाम उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। यहां पहुंचकर वो एक बार फिर से विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। संभवतः 27 सितंबर को सीएम गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने को लेकर विधायकों से चर्चा हो सकती है, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली भी बुलाया जाएगा। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ऐसे में अब अगले सीएम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि आला कमान तय करेगा नाम, पूरी प्रक्रिया के अनुसार ही नाम सामने आएगा। बड़ा बयान यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म भरने की बात भी उन्होंने कही कि वो कितनी तारीख को फॉर्म भरेंगे। जब गहलोत साहब फॉर्म भरेंगे तो राजस्थान से तमाम विधायक, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो उनके समर्थन में आ जाएंगे फॉर्म भराने के लिए। अगला मुख्यमंत्री वो होगा जिसको आला कमान चाहेगा। आला कमान का अपना तरीका है, वो अपने तरीके से क्या इस कांग्रेस परिवार में बैठकर बात करके क्या तरीका होगा आला कमान, ये डिसाइड करेगा जो भी राजस्थान के हित में होगा। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, ये बात हमारे अभी संज्ञान में नहीं है, हमें तो बस इस बात की जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत जी नामांकन दाखिल करेंगे, और जब विधायकों को और डीपीसीसी डेलीगेट्स को दिल्ली जाने का कहेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले सीएम को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेगा नाम और पूरी प्रक्रिया के अनुसार ही चलेंगी सारी चीजें। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे नामांकन, नामांकन भरेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, सियासत यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बात चल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब नामांकन भरेंगे, तो वहीं कुछ विधायकों का जो दिल्ली दौरा है वो भी तय कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल आयुषी, देखिए, एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि पहले जो अटकलें थी कि अध्यक्ष के लिए नामांकन अशोक गहलोत भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो अशोक गहलोत खुद ने साफ कर दिया है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि वो अब अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए जो दिल्ली आएंगे, और तारीख है अभी तो निश्चित नहीं है, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि कई जो विधायकों को है वो वहाँ पर इंटीमेट किया गया है कि आप तैयार रहना, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि उस सहूलियत को देखते हुए यहाँ पर जो है नामांकन का जो डेट है वो रखे। चूँकि अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक में भी कह चुके हैं कि तमाम विधायकों को जो नामांकन दाखिल करना होगा तो उसमें आना होगा, तो अभी एक तस्वीर साफ हो चुकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत नामांकन भर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा जो पहलू है, मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी तक जो जानकारी में यह है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। उसके बाद जो जैसे कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो कब और कैसे और तमाम जो प्रक्रिया होती है कांग्रेस की, एक जो मुख्यमंत्री और नेतृत्व परिवर्तन के लिए जो किस तरीके से विधायकों से सलाह की जाती है, आलाकमान एक कमेटी बना करके पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ पर सीनियर नेताओं को भेजा जाता है और तमाम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पर जो एक्सरसाइज की जाती है वो एक लंबी प्रक्रिया है, और उसके तहत ये सब किया जाता है, जैसा कि अशोक गहलोत भी खुद कह रहे थे। क्योंकि कांग्रेस की एक परंपरा भी रही है कि एक रातों रात कोई बड़ा फैसला नहीं होता है, वो बिल्कुल ठंडा करके आने वाली जो कांग्रेस की परंपरा है वो लगातार अब देखने को मिलती है। लेकिन जो अभी ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें जिस तरीके से पूरा एक मुख्यमंत्री और एक पद एक व्यक्ति वाला जो फॉर्मूला है, सिद्धांत है, उसको लेकर लगातार उन पर दबाव है, और उस
फॉर्मूले को पार्टी लागू करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें साफ है कि एक पद एक व्यक्ति ही रहेगा। ये मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि एक दो प्राइम पोस्ट पर एक आदमी जो है उस पोस्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसके साथ में जैसा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो नहीं दे सकता। तो ये साफ है कि वो अध्यक्ष बनने के बाद में सीएम की कुर्सी है वो छोड़ेंगे, लेकिन कब और कैसे होगी वो सारी प्रक्रिया आलाकमान की देखरेख में आलाकमान के निर्देश के अनुसार ही होगी। और वो शायद सारा कुछ जो कांग्रेस ने जो एक पर्दे के पीछे दरवाजे के पीछे जो मीटिंग हुई होगी और जो ये अध्यक्ष बनने को लेकर प्रोसेस के लिए चर्चा हुई होगी उसमें सब तैयार कर लिया गया होगा, और वो कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उनके बीच में ये बात रही है, और वो किस तरीके से आगे प्रोसेस होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो पूरा एक अटकलें ये चल रही है कि दो पद जो है वो एक साथ रहेंगे पहले या बाद में, ये अटकलों पर एक साफ हो चुका कि वो अभी अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और आज वो जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करेंगे, वहाँ दो तीन प्रोग्राम और है महाराष्ट्र में, वो उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद शाम को जयपुर पहुँचेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जयपुर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों से एक बार फिर मुलाकात करें और उनको औपचारिक रूप से ये निमंत्रण दें कि वो जो नामांकन दाखिल करने के समय वहाँ पर AICC में आकर यहाँ पर मौजूद रहें। तो ये अभी तक की जानकारी मिल रही है, और ये साफ हो चुका है कि वो नामांकन दाखिल करने के लिए राजस्थान से भारी मात्रा में कार्यकर्ता और जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अभी कह पाना जल्दबाजी है कि कौन सी डेट होगी, डेट उस हिसाब से होगी कि वहाँ विधानसभा सत्र भी है और उसको देखते हुए यहाँ आलाकमान से बात करके नामांकन दाखिल करने के लिए प्रोसेस किया जाएगा और किस तरीके से रहेगा और उसमें क्या मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा और किस कैंडिडेट को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो वो तमाम चीज़ें हैं वो कांग्रेस की एक रणनीति के तहत की जाएगी। आयुषी जी बिल्कुल मनोहर, जिस तरह से आपने बताया कि अभी हालांकि तारीख तय नहीं की गई है लेकिन हर एंगल से यहाँ पर देखा जा रहा है, तो जिस तरह से आपने बताया कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा लेकिन बावजूद उसके फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर अध्यक्ष के लिए नामांकन भर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दो नाम सामने आए हैं, कुछ विधायक दिल्ली पहुँच रहे हैं बड़े नेताओं से मिलने के लिए, यहाँ क्या चल रहा है, क्यों अहम मुलाकात बताई जा रही है? देखिए आयुषी, जब इस तरीके से कोई समाचार कोई पार्टी में आते हैं, नेतृत्व परिवर्तन हो या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर हो, तो जाहिर है कि ये सारी एक्सरसाइज होती है और सब जो मोमेंट है वो शुरू हो जाता है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टी में जो जी बिल्कुल मनोहर, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी का दिल्ली आने का प्रोग्राम, केरल में ही रहेंगे राहुल गांधी, दिल्ली आने का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया। आपको बता दें आज भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम है, हालांकि बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी का दिल्ली आने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है और आज राहुल गांधी केरल में ही रहेंगे, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी यहां पर सामने। पहले राहुल गांधी का दिल्ली आने का प्रोग्राम था लेकिन अब अपडेट सामने आई है कि केरल में ही रहेंगे राहुल गांधी, दिल्ली आने का उनका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया है, हालांकि आज भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम है और इसी के चलते दिल्ली आने वाले थे राहुल गांधी। लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यहां पर सामने कि दिल्ली आने का जो कार्यक्रम था राहुल गांधी का वो कैंसिल कर दिया गया है और राहुल गांधी आज केरल में ही रहेंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने। लगातार मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोहर अभी अभी बड़ी जानकारी यहाँ पर मिली है, राहुल गांधी भी दिल्ली आने वाले थे लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और वो केरल में ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए कल पूरा प्रोग्राम उनका बन चुका था और दिल्ली आने के लिए वो जैसा कि बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी इटली से आई हैं, अपने जो माताजी का देहांत हो चुका था वहाँ, उसके बाद में पहली बार जो है काफ़ी दिनों बाद 15 दिन बाद में जो उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होनी थी, लेकिन अभी जानकारी आज सुबह ये मिल रही है कि उनका ये प्रोग्राम जो कैंसिल हो गया है वो आज केरल में ही रहेंगे। और हालांकि वहाँ की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आज उसके लिए विश्राम है और वहाँ मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, सबका जो मेडिकल चेकअप किया जा रहा है कि जो यात्रा में चलने वाले लोग जो एकदम फिट है और आगे फिट रहेंगे क्या, और जो नए जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए जो फिटनेस कैंप जो है वो वहाँ पर लगाया गया है। तो आज का दिन जो है वो विश्राम का है वहाँ पर, और जिस तरीके से कल पूरा दिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, राहुल गांधी और तमाम जो नेता वहाँ पर जो यात्रा की, और शाम को जिस तरीके से चौपाल पर बैठ करके जो पूरे पुराने जो अनुभव है वो साझा किए गए जो यात्रा में शामिल लोगों के साथ में, वो एक अच्छा पल था सबके लिए, और सब बैठ करके रात को एक साथ में, और जो भावी अध्यक्ष के रूप में जिस तरीके से अशोक गहलोत को देखा जा रहा है तो वो उनके साथ में चर्चा करते हुए नजर आए थे। लेकिन
फिलहाल जानकारी यह है कि राहुल गांधी का जो दौरा था दिल्ली का वो कैंसिल हो चुका है और अब अगला कब होगा ये कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए यहाँ आएंगे। तो हो सकता है कि कोई और खबर ना बने, विपक्ष को ये मुद्दा ना मिले कि वो यात्रा बीच में छोड़ करके दिल्ली आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है उनकी प्लानिंग में चेंजेस किया गया हो। आयुषी जी बिल्कुल मनोहर, इसी बीच अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की, वो शिरडी गए हैं, उनके साथ कौन कौन गया है, किस तरह का उनका आज का ये दौरा रहने वाला है, फिर वो जयपुर भी पहुंचेंगे? देखिए सबसे अहम दौरा तो वहाँ पर उनका शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करना है, और जिस तरीके से यहाँ से दिल्ली से रवाना हो रहे थे उस समय तमाम पत्रकार लोगों ने भी ये पूछा था कि आप क्या अध्यक्ष बनने से पहले साईं बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ शिरडी जा रहे हैं, तो अशोक गहलोत हंसकर जवाब दिया कि मैं तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाऊँगा। तो एक वही एक प्रक्रिया है, उसमें साईं बाबा का दर्शन करेंगे, उस दौरान जो है गोविंद सिंह डोटासरा PCC अध्यक्ष है वो भी उनके साथ रहेंगे, जैसा कि वो कल वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे, तो आज भी वो उनके साथ रहेंगे। और दो और प्रोग्राम है वहाँ पर, अहमदनगर में भी है एक, तो वो उन प्रोग्राम के बाद करीब 4:30 बजे वहाँ से जयपुर के लिए रवाना होने का अब तक का कार्यक्रम है और शाम तक जयपुर पहुँचेंगे। जी आयुषी जी बिल्कुल मनोहर, आपने बताया शाम तक जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का, और उसके बाद विधायकों के साथ उनकी एक बैठक भी है। क्या केवल औपचारिक इनविटेशन दिल्ली बुलाने के लिए विधायकों को दिया जाएगा इस बैठक में, या किसी और मुद्दे पर भी बात की जा सकती है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो एक औपचारिक ऐलान होने के बाद और खुद के मुंह से ऐलान करने के बाद जब वो विधायकों से मुखातिब होंगे कि अब जो नई जिम्मेदारी के लिए मुझे तैयार होना है और आप लोगों को उसके लिए सबको सहभागी बनना है, और जो नामांकन दाखिल करने की एक प्रक्रिया है उसमें शामिल होने के लिए तमाम जो विधायक और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है उनका वहाँ मौजूद रहना, इसलिए भी जरूरी है कि एक एकजुटता का मैसेज देना भी होता है, एक साथ ही एक मजबूती प्रदान करना होता है कि किस तरीके से पूरा राजस्थान है वो एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले जो व्यक्ति उसके साथ में खड़ा है और किस तरीके से मजबूती दिखाने की कोशिश। बिल्कुल मनोहर, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, लगातार बने रहिएगा आप हमारे साथ। दर्शकों को बता दें एक बड़ी खबर सामने, नगर निगम ग्रेटर